जब आए थे जमी पर तब आए थे खाली हाथ, जब जाओगे तख्ती पर तब कोई न देगा साथ। इसलिए प्यारे भाइयों, उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारी बंधुओं, इसके अलावा ग्रामीण पुलिस यानी ग्राम चौकीदार बंधुओं, जीवन में एक बात याद रखना कि अधिकार आपको घर बैठने से नहीं मिलता, अधिकार आपको बहाना बनाने से नहीं मिलता, अधिकार आपको भैंस बीमार का नाटक करने से नहीं मिलता, अधिकार मिलता है अपने लिए, खुद के लिए लड़ना सीखिए, दूसरों के साथ खड़े होना सीखिए, संगठन को मजबूत कीजिए, तब जाके जीत मिलती है। और शायद उत्तर प्रदेश में एक ऐसा इकलौता संगठन है राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति, जो संगठन किसी भी तरह से चार्ज नहीं करता है, लेकिन उसका भी कुछ लोगों को फ्री का घी हजम नहीं होता है। जरा सोचो कुशीनगर का मामला, जिसमें एक व्यक्ति चौकीदार है उसे प्रताड़ित किया जा रहा, उसका चाचा चौकीदार है वही प्रताड़ित करवा रहा है, और जब ये प्रताड़ना उसको मिलती है, अभद्र भाषा में एसएचओ महोदय गाली देते हैं, उसका मोबाइल छीन करके चेक करवाते हैं कि कहीं वीडियो तो नहीं बना लिया। अरे एसएचओ महोदय, आपके अंदर डर लगता है क्या कि वाई साहब गिंग पे कहीं वीडियो तो नहीं चलेगा? अरे कितना वीडियो डिलीट करवाएंगे आप? वीडियो डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं डिलीट कर सकते, क्योंकि हम हमेशा उन असहाय लोगों की आवाज उठाते हैं जिनका कोई साथ नहीं खड़ा होता है। और मैं जब कॉल कर रहा हूं तो एसएचओ महोदय फोन ही नहीं उठा रहे, क्योंकि उस पर लिख कर आते हैं ना वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया अन्न त्रिपाठी उत्तर प्रदेश लखनऊ। अरे काहे नहीं उठा रहे? और यदि आप कहते हैं कि मैं व्यस्त था, तो कम से कम आपको कॉल बैक कर लेनी चाहिए थी कि अगर किसी ने कॉल किया है, जाहिर सी बात है कोई इमरजेंसी हो सकती, कोई समस्या हो सकती है, मान लो खुदा ना खास्ता कल को कोई अपराध घटना घटित हो रही, चौकीदार आपको फोन कर रहा, आप फोन नहीं उठाएंगे तो बताइए कैसे अपराध पता चलेगा? यहां पे गलती है ना आपकी, लेकिन आपने फोन नहीं उठाया। इसके अलावा वही एक मामला जो बारात वाला मामला है, अरे अंबेडकर का गाना ही तो बजाया था, कौन सा बहुत बड़ा कांड कर दिया था, वहां पर दबंगों ने जाकर के पीट दिया, वहां पर भी वो मारा मारा घूम रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये क्या है सब? ये है क्या? ये सिर्फ आपकी कमजोरी है, ये आपकी कमजोरी है। मेरे प्यारे ग्राम चौकीदार बंधुओं, अभी भी जाग जाओ, अभी भी समझ लो, अच्छे अच्छे ठंडे होने लगे हैं। एक वॉइस ऑफ किंग अन्नू त्रिपाठी आज भी गर्म मूड में आपके साथ खड़ा है, क्योंकि गर्म मूड इसलिए है क्योंकि आपके हक अधिकार को छीना जा रहा है, तकलीफ होती है, इसलिए आज विगत 4 साल होने जा रहा और आपके साथ खड़ा हूं। जरा सोचो, नहीं सोच सकते क्या? जिस समय पहली बार आपसे मिला था, बहुत सारे मीडिया वाले मिलेंगे, बहुत सारे चैनल वाले मिले होंगे, क्या आपके लिए इस तरह से किसी ने काम किया? जरा दिल पे हाथ रखना और कसम एक बार अपने मन में खा लेना कि आप सत्यता बोलिए, झूठ नहीं। लेकिन अगर आपका जवाब है कि हाँ नो भैया, आपने दिन रात एक किया है, तो क्यों नहीं हो रहे एकजुट आप लोग? मैं देख रहा हूं कि कार्ड जो लोग बनवा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जब सुनता हूं कुछ लोग कहते हैं कि इस कार्ड से होगा क्या? अभी तो ये आंधी है, तूफान आना बाकी है, ये कार्ड की औकात क्या है ये आपको पता चल जाएगा। और आज मैं आपसे 2 बातें कहने आया, नंबर 1 कि दिल्ली की तैयारी के लिए तैयार हो जाओ, नंबर 2 यदि हमारे जितने भी संगठन चल रहे हैं, यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं, हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं, अपनी राजनीति नहीं चलाना है, जो लेटर पैड जाएगा वो चौकीदार का लेटर पैड जाएगा, अन्नू त्रिपाठी का पर्सनल लेटर पैड नहीं जाएगा, लेकिन राजनीति नहीं, जिस तरीके सिस्टम बनाया जाए उस सिस्टम के तहत काम करना है, ना कि जाके भेड़ बकरियों की तरह झुंड लगाना है, नहीं। यदि आप साथ देना चाहते, एक सत्य के साथ खड़ा होना चाहते, तो हाथ जोड़ करके अपील है कि आप लोग भी तैयारी में लग जाइए।
दूसरी बात कहने आया हूं कि 30 तारीख लास्ट मैंने देखिए बहुत लोगों ने कहा था कि भैया आप रेट मत बढ़ाइए, ये है वो है, दुनियादारी बेचारों के पास दिक्कत आई है, वो वेतन आएगा फलाना ढिमकाना, ठीक है। 30 तारीख तक भाई मैंने 2 महीने 2.5 महीने खूब देख लिया, देखो जिसको कार्ड बनवाना था जिन्होंने जो हमारे अपने थे उन्होंने बनवाया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। 30 तारीख तक जिन लोगों ने अभी कार्ड हमको दे चुके हैं वो घबराए नहीं, आपका कार्ड बनेगा, आपको मिलेगा। 30 तारीख तक यदि जिनको भी कार्ड बनवाना है उनका सेम चार्ज रहेगा, 30 तारीख के बाद इस पर एक्स्ट्रा चार्ज लागू होगा। इसलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं भी मजबूर हूं क्योंकि मैं तो आपके लिए रात दिन जब तक कर रहा हूं, लेकिन आप हमें अगर उल्लू समझ रहे हैं तो ये मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है, इसलिए मुझे मजबूरन ये चार्ज लगाना पड़ रहा है। फिर बेशक वो चार्ज हम उठा के दूसरों को दान कर दें वो मायने नहीं रखता, लेकिन ये इसलिए लगा रहा हूं कि अभी भी आपके पास 9 दिन 8 दिन का समय है। यदि आपके अंदर सच में सक्रियता है, आप एकता में हैं या जो भी पदाधिकारी इसको देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जल्द से जल्द 30 तारीख तक कार्ड हमें अवगत कराएं, क्योंकि चुनाव के बाद दिल्ली जाना है, इसलिए कार्ड की संख्या को हमें समझना पड़ेगा और ये जो व्यवस्था है बहुत अलग तरीके से बनाने का प्लान है, इसलिए कार्ड के लिए मैं आपको प्रेशर दे रहा हूं। और दिल्ली में धरना होने के बाद मैं आपको कार्ड का प्रेशर दूंगा ही नहीं, बनवाना हो तो बनवाओ, नहीं बनवाना तो मत बनवाओ, लेकिन सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं इसमें मेरा फायदा नहीं है, इसमें फायदा आपका है। 30 तारीख तक बनवा लीजिए, यदि आप नहीं बनाते हैं तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज होगा, क्योंकि कोई भी संगठन हो उसके भी नियम और कानून होते हैं। भाई मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं, आप हमें ही बेवकूफ समझेंगे तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। और या तो 30 तारीख के बाद कार्ड ही बनाना बंद कर दूंगा, दो में से एक डिसीजन रहेगा। इसलिए अपील करता हूं कि जल्द से जल्द कार्ड बनवा लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, फर्जी लुक्खों के चक्कर में ना पड़िए जो फर्जी खबर चला रहे हैं। कृपया करके ध्यान ना दें, कोई भी अभी अपडेट नहीं है, कोई भी खबर नहीं है, इसलिए किसी के चक्कर में ना पड़े। और ये आपका जून के महीने तक भी कोई खबर नहीं मिलेगी, जो भी खबर मिलेगी आंदोलन और धरने के बाद। नमस्कार, जय हिंद।